फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस मोरल वैल्यूज क्लास फोर्थ चैप्टर. आपका चैप्टर है 9, ट्रू आर्चर अर्जुन. तो आपका क्लास फोर्थ मोरल वैल्यूज चैप्टर 9, ट्रू आर्चर अर्जुन. ओके, तो क्लास फोर्थ मोरल वैल्यूज का चैप्टर आपका 9 है, ट्रू आर्चर अर्जुन. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. द फेमस गुरु द्रोणाचार्य बाज विथ हिज रॉयल डिसिप्लिन्स वन मॉर्निंग. द फेमस गुरु द्रोणाचार्य बाज प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य बाज विथ हिज रॉयल अपने शाही डिसिप्लिन अपने शाही शिष्यों के साथ एक सुबह ही टुक देम टू ए डेंस फॉरेस्ट. ही टुक देम, वो उनको ले जाते हैं टू ए डेंस फॉरेस्ट. प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य जी शाही शिष्यों को एक सुबह प्रसिद्ध गुरु जो द्रोणाचार्य हैं बाद विथ अपने रॉयल डिसिप्लिन अपने शाही शिष्यों के साथ एक सुबह उनको ही टुक देम टू ए डेंस फॉरेस्ट, उनको एक घने जंगल में ले जाते हैं. ऑन रीचिंग द फॉरेस्ट, जंगल में पहुंचकर गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं, आई हैव बीन टीचिंग यू द आर्ट ऑफ आर्चरी फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स. I have been teaching you the art of archery for the past few months. मैं पिछले कुछ महीनों से आप लोगों को आर्चरी धनुष की कला सिखा रहा हूँ. I want to test your skills today. मैं आपकी जो मैंने सिखाई हुई क्षमता है उसका आज टेस्ट लेना चाहता हूँ. Then, तब he indicated towards a tree and said, and then, तब he indicated, उन्होंने संकेत किया towards a tree, एक पेड़ की ओर, and said, और कहा, I have huge, a beautiful woman word on the mango tree. मैंने मैंगो ट्री पर एक बड़ी सी लकड़ी की सुंदर सी चिड़िया को टांग दिया है. द वन हु हिट्स द आईज ऑफ द वर्ल्ड इज माई ट्रू डिसिप्लिन. द वन हु हिट्स द आईज ऑफ द वर्ल्ड इज माई ट्रू डिसिप्लिन. वन उनमें आप सब में से एक जो हिट्स आप सब में से जो एक बर्ड की आईज को हिट करेगा बर्ड की आईज में मारेगा इज माय ट्रू डिसिपल, वो मेरा सच्चा शिष्य होगा. हियरिंग द स्टेटमेंट ऑफ द गुरु का वाक्य सुन करके ऑल द रॉयल डिसिपल्स गॉट एक्सट्रीमली वरीड. ऑल द रॉयल डिसिपल्स जो शाही शिष्य थे सभी गॉट एक्सट्रीमली वरीड, बहुत अधिक चिंता में आ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं इस बात को सुन के कि उनके गुरु ने बोला है कि मैंने एक लकड़ी की बर्ड को पेड़ पे लटका दिया है और आप सब में से आपको जो भी बर्ड की आईज को हिट करेगा वो क्या होगा, मेरा सच्चा शिष्य होगा. इट वॉज रियली अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन. इट वॉज ए वेरी टफ कॉम्पिटिशन
कॉम्पिटिशन, ये बहुत अधिक कठिन प्रतियोगिता थी। द गुरु आस्क्ड एवरीवन टू ऑफ देम टू टेक हिज पोजीशन विद हिज बो एंड एरो इंडिकेटिंग एट द वुडन बर्ड। द गुरु आस्क्ड, गुरु कहते हैं प्रत्येक से, एवरीवन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक से कहते हैं, टू टेक हिज पोजीशन की अपनी स्थिति लो, विद हिज बो एंड बोरो अपने धनुष और बाणों के साथ। इंडिकेटिंग एट द वुडन बर्ड, वह दर्शाते हैं उस, मतलब पोजीशन लेके आप उस चिड़िया के सामने खड़े हो जाओ। नाउ अब ही आस्क दुर्योधना, नाउ अब ही आस्क दुर्योधना, अब दुर्योधन से कहते हैं द इल्डेस्ट ऑफ द कौरवो, द इल्डेस्ट जो कौरवों के सबसे बड़े थे, व्हाट डू यू सी दुर्योधना, व्हाट डू यू सी दुर्योधन, दुर्योधन आपको क्या दिखाई दे रहा है। गुरुजी, आई सी द ग्रीन लीव्स, द ब्रांचेज ऑफ द ट्री एंड द सन रेज फॉलिंग ऑन देम। गुरुजी, आई सी, मुझे दिखाई दे रहा है द ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियाँ, द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखाएँ, एंड द सन रेज, और सूरज की किरणें, फॉलिंग ऑन देम, जो उन पर पड़ रही हैं। आई सी द बर्ड टू, मुझे बर्ड भी दिख रही है, इट्स फीदर, उसके पंख दिख रहे हैं, लेग्स, टांगे दिख रही हैं, एंड बीक, और चोंच, बीक, उसकी चोंच दिख रही है। रिप्लाइड दुर्योधन, दुर्योधन ने उत्तर दिया। तो दुर्योधन ने क्या देखा कि जब उनके गुरु जी ने कहा कि कौरवों में तुम सबसे बड़े हो, कौरवों में तुम सबसे बड़े हो दुर्योधन, जाओ तुम मतलब तुमको क्या दिख रहा है, तो वो कहते हैं गुरुजी मुझे ग्रीन लीव्स दिख रही हैं, पेड़ की शाखाएं दिख रही हैं, सूरज की किरणें दिख रही हैं जो उन पे पड़ रही हैं, और मुझे चिड़िया दिख रही है, उसके पंख दिख रहे हैं, उसकी टांगे दिख रही हैं, और चोंच दिख रही है उसकी। गुरु द्रोणाचार्य स्माइल एंड सेड, गुरु द्रोणाचार्य ने स्माइल की और कहा, यू कांट हिट द आईज ऑफ द बर्ड, तुम बर्ड की आईज को हिट नहीं कर सकते हो। You see a lot of things, now you go. You see a lot of things, तुमको बहुत अधिक वस्तुएं दिख रही हैं, now you go, अब तुम जाओ, now you go, अब तुम जाइए। After this, इसके बाद the guru turned toward the eldest of the Pandavas. After this, इसके बाद the guru turned toward the eldest of the Pandavas. अब गुरुजी पांडवों में जो सबसे बड़े थे उनकी तरफ मुड़े, युधिष्ठिरा, एंड आस्क देम, युधिष्ठिर की तरफ मुड़े और उनसे कहा, व्हाट डू यू सी माय डियर, मेरे प्रिय, आपको क्या दिखाई दे रहा है। एट दिस, इस पर द वाइज एल्डेस्ट पांडवा रिप्लाइड, वाइज बुद्धिमान पांडव में जो सबसे बड़े युधिष्ठिर थे वो बोले, आई सी द ट्री, मुझे पेड़ दिख रहा है, इट्स थिक बार्क, मुझे इसकी मोटी छाल दिख रही है, द कर्वी एंड थिक ब्रांचेज, मुझे सुडोल और मोटी शाखाएं दिख रही हैं, द ग्रीन लीव्स, मुझे हरी पत्तियां दिख रही हैं, एंड द वुडन बर्ड, और मुझे वो लकड़ी की बर्ड दिख रही है। आई सी इट हैज ए प्रोमिनेंट आईज एंड ए पॉइंटेड बीक, आई सी, मुझे दिखाई दे रहा है, इट हैज अ प्रोमिनेंट, ये प्रसिद्ध, इसकी आंख दिख रही है, एंड ए पॉइंटेड बीक, और इसकी चिन्हित चोंच दिख रही है, मतलब हमें चिड़िया की आई भी दिख रही है, चोंच भी दिख रही है, पेड़ भी दिख रहे हैं, पेड़ की छाल भी दिख रही है, शाखाएं भी दिख रही हैं, पत्तियां भी दिख रही हैं, मुझे इतना सब दिख रहा है। तो द गुरु आंसर्ड वेरी सैडली, गुरु ने बहुत ही दुखी मन से उत्तर दिया, यू टू कांट हिट द बर्ड्स आई, आप भी बर्ड की आईज को नहीं हिट कर सकते। क्या बोला, आप भी बर्ड की आईज को हिट नहीं कर सकते। तो लाइक दिस, इस तरह से वन बाय वन द गुरु कॉल ऑफ हिज डिसिपल्स एंड रिपीटली आस्क एवरी वन ऑफ देम द सेम क्वेश्चन। लाइक दिस, इसके बाद वन बाय वन एक एक करके द गुरु कॉल, गुरु ने
बुलाया ऑल ऑफ हिज डिसिपल्स, अपने सारे शिष्यों को एक एक करके बुलाया, एंड रिपीटेडली मतलब बार बार पूछा, एवरीवन प्रत्येक से ऑफ देम उनमें से प्रत्येक से बार बार पूछा द सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन बार बार दोहराया उन्होंने, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स गेव आंसर इन सच ए मैनर विच कुड नॉट सेटिस्फाइड द गुरु. ऑल द स्टूडेंट्स, सारे शिक्षक जो सारे छात्र थे गेव आंसर उत्तर दिया इन सच ए मैनर एक तरीके से विच कुड नॉट सेटिस्फाइड द गुरु, जिससे जो गुरु जी थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे. देन तब ही टर्न टुवर्ड हिज डियरेस्ट डिसिपल अर्जुन, तब ही टर्न टुवर्ड वो मुड़े हिज डियरेस्ट डिसिपल अर्जुन, वो अपने सबसे प्रिय यानी शिष्यों में सबसे प्रिय शिष्य के ओर मुड़े, उनका सबसे सबसे प्रिय मित्र अर्जुन थे. हु वाज द थर्ड पांडवा ब्रदर एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू कम फॉरवर्ड. हु वाज द थर्ड पांडवा ब्रदर, वो पांडवों के तीसरे नंबर के भाई थे. हु वाज द थर्ड पांडवा ब्रदर एंड इंस्ट्रक्टेड, और उनको निर्देश दिए टू कम फॉरवर्ड, आगे आने का उनको निर्देश दिया, आगे आने के लिए उनको कहा. यानी इस तरह से जब कौरवों के बड़े पुत्र अर्जुन दुर्योधन थे उनको बुलाया, उनसे कहा, उनको क्या दिखाई दिया, सेटिस्फाइड आंसर नहीं था. इसके बाद उन्होंने पांडवों में जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर उनको बुलाया, और उनके आंसर से भी जो गुरु द्रोणाचार्य जी थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए. इससे वन बाय वन कर करके उन्होंने सबसे यही क्वेश्चन दिया, और उनको जो आंसर मिल रहा था वो उनके लिए सेटिस्फाइड नहीं था. फिर उन्होंने वो अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन की ओर मुड़े, और उन्होंने उसको पांडवों में जो तीसरे नंबर के थे उनको सबसे आगे आने को बोला, बाहर आने को बोला. देन आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, ही तब फिर उन्होंने उनसे वही क्वेश्चन किया डैट ही हैड आस्क द अदर, जो उन्होंने दूसरों से पूछा था वो उन्होंने उससे भी वही क्वेश्चन पूछा. ही रिप्लाइड, अर्जुन ने रिप्लाइड किया, गुरु जी I failed to see anything else but only and only the word eyes of the bird. I failed to see anything else. मुझे कुछ भी दिखने में मैं असफल हूँ, मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, केवल और केवल the eyes of the bird, मुझे बर्ड की आई दिखाई दे रही है. जब गुरुजी ने अर्जुन को बोला कि आगे आओ, आगे आने के बाद वही क्वेश्चन सेम रिपीट किया कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने बोला कि गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, फिर देखते हैं. लिसनिंग टू दिस गुरु द्रोणाचार्य बिकेम वेरी हैप्पी. लिसनिंग टू दिस, यह सुन करके गुरु द्रोणाचार्य बिकेम वेरी हैप्पी, द्रोणाचार्य जी बहुत खुश हो जाते हैं. ही सॉ एट अर्जुना एंड सेड, वह अर्जुन को देखते हैं और उनसे कहते हैं, देन सूट माई डियर सन यू विल डेफिनेटली हिट द वर्ड्स आई. देन सूट, अब तुम सूट करो माई डियर सन, मेरे प्रिय पुत्र अब तुम तीर चलाओ. यू विल डेफिनेटली हिट द वर्ड्स आई, अब तुम पक्का बर्ड की आईज को हिट कर सकते हो, बर्ड की आईज को मार सकते हो, मतलब उस पर तीर लगा सकते हो. अर्जुन एम्ड एट हिज इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली एट द वर्ड्स आईज एंड शूट द एरो सक्सेसफुली. अर्जुन उद्देश्य से एट हिज इंस्ट्रक्शन, उनके जो उनका अनुदेश था, इंस्ट्रक्शन जो उनका आदेश था गुरु जी का, उनके उद्देश्य को लेके परफेक्टली एट द वर्ड आईज और पूरी तरह से पूर्ण रूप से बर्ड की आईज को एंड शूट किया द एरो सक्सेसफुली, मतलब एरो को सीधे बर्ड की आईज में जाके लगा. गुरु जी के कहे अनुसार उद्देश्य पूर्ति के रूप में उन्होंने जो कहा था उसके लिए उन्होंने अपना जो प्रयास था उनका वो सक्सेसफुल रहा. द बर्ड फेल डाउन विद ए थर्ड, चिड़िया धड़ाम से नीचे गिर जाती है
मतलब गिर जाती है. अर्जुन बेंट डाउन हम्बली एंड टच्ड हिज ग्रेट गुरुज फूट फीट. अर्जुन बेंट डाउन हम्बली, विनम्रता से अर्जुन नीचे झुकते हैं एंड टच्ड हिज ग्रेट गुरुज फीट और अपने महान गुरु द्रोणाचार्य जी के पैरों को छूते हैं. पैर को छूते उनके. द गुरु देन एड्रेस्ड ऑल ऑफ हिज स्टूडेंट्स. तब गुरु ऑल ऑफ हिज स्टूडेंट्स अपने सारे स्टूडेंट्स हमें उनको संबोधित करते हैं. अर्जुन इज अनडाउटली द बेस्ट आर्चर. अर्जुन एक निसंदेह रूप से एक बहुत अच्छा धनुर्धर है. ही फुली नोज दैट ए गुड आर्चर सीज ओनली हिज टारगेट एंड नथिंग एल्स. ही फुली नोज, वो पूरी तरह से जानते हैं कि एक गुड आर्चर, एक अच्छा धनुर्धर सीज ओनली हिज ग्रेट टारगेट एंड नथिंग एल्स. सिर्फ अपना जो उनका टारगेट होता है सिर्फ उसी को देखते हैं, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है. ठीक है, वो अपने टारगेट को देखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है उनको. तो ये धनुर्धर की पहचान होती है. इस तरह से वो सारे स्टूडेंट्स को, सारे डिसिपल को, जो उनके सारे डिसिपल्स थे उन सबको समझाते हैं. ठीक है, अब इसके अलावा हम देख लेते हैं इसमें. इसमें हमारी टिक द करेक्ट आंसर है. ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर है, ये वाला हमारा पॉइंट है. तो टिक द करेक्ट आंसर इन दी बॉक्स. हु सॉ द वर्ड्स आइट प्रॉपरली. ए है युधिष्ठिर, बी दुर्योधना, सी अर्जुना, डी भीम. तो हु सॉ द वर्ड्स आइट प्रॉपरली, किन्होंने बर्ड की आइज को प्रॉपरली देखा था? तो किसने देखा था? अर्जुन. अर्जुन है आपका सी नंबर पर. तो ए का जो आपका नंबर वन है उसका आपका सी अर्जुन. अर्जुन पे टिक करेंगे क्योंकि यही सही है. नंबर टू पे आते हैं. व्हाट वाज द ह्यू ऑन द मैंगो ट्री. क्या टांगा, क्या लटकाया मैंगो ट्री पर? तो ए पे है कैट, बी पे बर्ड, सी पे रैट, डी पे बैट. तो क्या लटकाया था? नंबर बी. टू का है बी बर्ड. बर्ड लटकाई थी आपके गुरु जी ने मैंगो ट्री पर. हाँ, अब देखते हैं नंबर थ्री. वेयर डिड गुरु द्रोणाचार्य बैंक विद पांडव एंड कौरव. कौरव एंड पांडव. वेयर डिड गुरु द्रोणाचार्य बैंक विद पांडव एंड कौरव. कौरव और पांडवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य जी कहाँ जाते हैं? ए पे है स्कूल, बी पर मार्केट, सी पे आश्रम, डी पे डांस फॉरेस्ट. कहाँ जाते हैं? तो डी वाला सही है. फर्स्ट का डांस फॉरेस्ट में लेके जाते हैं, घने जंगल में लेके जाते हैं. ना ही स्कूल ले जाते हैं और ना ही मार्केट लेके जाते हैं, ना ही आश्रम लेके जाते हैं. अब आते हैं नंबर फोर पर. नंबर फोर पर आते हैं. हु वाज द एल्डेस्ट अमंग द पांडवाज. हु वाज द एल्डेस्ट, सबसे पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? तो ए है युधिष्ठिरा, बी है अर्जुन, सी है नकुल, डी है भीम. तो सबसे बड़े कौन थे? फोर नंबर पे सबसे बड़े ए युधिष्ठिर थे. ठीक है, सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर थे. अब हम फिल इन द ब्लैंक्स वो भी देख लेते हैं. टारगेट है. ठीक है, टारगेट देखता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता. नंबर थ्री पे आते हैं.
गुरुजी अलोंग विथ हिज डिसिपल वेंट टू ए डेंस फॉरेस्ट। कहाँ जाते हैं? डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, घनी जंगल में जाते हैं, कौरवों और पांडवों को लेकर। नंबर फोर, अर्जुन हिट द बर्ड्स आई, वी आई, बर्ड्स आई, अर्जुन ने बर्ड की आई को हिट किया था, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ओके, अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स पर। सम्मान नहीं करते थे देयर गुरुजी इक्वली, अपने गुरुजी का समान रूप से रिस्पेक्ट नहीं करते थे, समान रूप से सम्मान नहीं करते थे। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे शिष्य अपने गुरुजी का समान रूप से रिस्पेक्ट करते थे। नंबर टू पे आते हैं, अर्जुना बाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट आर्चर, अर्जुन को बेस्ट आर्चर घोषित किया गया। हाँ, क्योंकि सिर्फ अर्जुन ही थे इतने सारे शिष्यों में जिन्होंने बर्ड की आई को हिट किया था, किसी ने भी नहीं किया था, सिर्फ अर्जुन ने ही बर्ड की आई को हिट किया था। अब आते हैं नंबर थर्ड पर, ओनली दुर्योधना सा द बर्ड्स आई प्रॉपरली, केवल दुर्योधन ने ही बर्ड की आईज को प्रॉपरली देखा था, तो नहीं, बर्ड की आईज को प्रॉपरली अर्जुन ने देखा था, ना कि दुर्योधन ने। नंबर फोर पे आते हैं, अर्जुन वाज द मोस्ट कॉर्टियस डिसिपल अमॉन्ग ऑल, अर्जुन सारे शिष्यों में सबसे ज्यादा विनम्र थे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि किसी ने भी गुरु जी के पैर नहीं छुए थे, केवल और केवल अर्जुन ने ही अपने गुरु के चरण स्पर्श किए थे। तो हमारा जो चैप्टर 9 है वो हमने कंप्लीट करा दिया, अब इसकी आपको हमने बुक पोर्शन समझा दिया, हम आपको डॉक्यूमेंट्स में सेंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा। थैंक यू।